इसे कल्पना करें, वर्ष 1907 है और आप चंपावत, भारत के घने जंगलों में हैं। 400 से अधिक जिंदगियां लेने वाले मानव भक्षी बाघ का पीछा कर रहे थे। यह एक युवा पुरुष के लिए वास्तविकता थी, जिसका नाम जिम कॉर्बेट था, जो हिमालय के सुंदर कुमाऊं पहाड़ियों में पैदा हुआ था। कॉर्बेट अपने शिकारी के करियर की शुरुआत कर रहे थे। उसका पहला महत्वपूर्ण विरोधी चंपावत का कुख्यात बाघ था, एक जानवर जिसकी प्रतिष्ठा भारतीय उपमहाद्वीप के खुरदुरे इलाकों की ठंडी हवाओं के समान भयानक थी। यह बाघ सामान्य नहीं था, यह मनुष्य भक्षी था। एक मौन चुपचाप डरावना जो गांव वालों को घेरे और नेपाल और भारत में 400 से अधिक जीवनों का दावा किया। उसका आतंक का राज इतना गहरा था कि पूरे गांव वीरान हो गए और रोजमर्रा की जिंदगी ठप हो गई। इस घातक प्राणी को मारने का काम कॉर्बेट को दिया गया था। हालांकि वह एक कुशल शिकारी थे, लेकिन वह ठंडे दिल के हत्यारे नहीं थे। उन्होंने जो बाघ शिकार किया उसे सम्मान किया, प्राकृतिक वस्तुओं के क्रम में उनकी आवश्यकता को समझते हुए, लेकिन उन्हें वे भय भी समझते थे जो वे प्रेरित करते थे। उन्होंने जो आतंक मचाया और जिंदगियां बाधित की थीं, केवल एक राइफल और अपनी बुद्धि के साथ सस्त्रित, कॉर्बेट ने चंपावाट के घने जंगलों में कदम रखा। उसने बाघ को समझा, उसकी आदतें, उसके पैटर्न और उसकी संवेदनाएं। उसे पता था कि यह कोई खेल नहीं था, यह जीवन मृत्यु की लड़ाई थी, जीवन और मौत का नृत्य। शिकार लंबा और कठिन था, हर मोड़ पर खतरा था, लेकिन कॉर्बेट की संकल्पना और साहस अदम्य थे। उन्होंने बाघ का पीछा किया, उसके निशान का पीछा किया और अंत में एक दिल रोकने वाले सामने आने पर उन्होंने बाघ को मार दिया। चंपावत टाइगर का राज्य समाप्त हो गया। ग्रामीण एक राहत की सांस ले, जीवन सामान्य हो गया। चंपावत के जंगल फिर से शांत हो गए थे। लेकिन मानव भौजी बाघ की कहानी और उस आदमी की जिसने इसे शिकार किया, यह दूर दूर तक फैल गई। चंपावत बाघ की मौत के साथ कॉर्बेट की मनुष्य भक्षियों के शिकारी के रूप में प्रतिष्ठा स्थापित थी। यह उनके ऐतिहासिक करियर की शुरुआत थी, एक यात्रा जो उन्हें भारत के जंगल के हृदय में ले जाएगी और इतिहास के अन्नालों में। 25 जुलाई 1875, नैनीताल, भारत को रिवाइंड करें। मेरी जीन और क्रिस्टोफर कॉर्बेट को एक बच्चा जन्म दिया गया है। इस बच्चे का नामकरण जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट किया गया था, या जैसा कि हम उसे जानते हैं, जिम कॉर्बेट। एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व बनने के लिए बढ़ रहा था, जिनकी मानव भक्षी बाघ और तेंदुओं की ट्रैकिंग और शिकार की कहानियां आखिरकार किंवदंती बन जाएंगी। लेकिन चलिए अपने आप को आगे ना बढ़ाएं, चलिए इन निर्माणात्मक वर्षों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि वे ही समझने की कुंजी है कि जिम कॉर्बेट कैसे बने। जिम एक ऐसे परिवार में पैदा हुए, ठीक 16 बच्चों के 8वें थे, जो दूर था समृद्ध से। उनके पिता क्रिस्टोफर कॉर्बेट उत्तर भारत में एक चित्रस्मित पहाड़ी स्थल नैनीताल के डाक मास्टर थे। परिवार की वित्तीय परिस्थितियां सर्वाधिक कठिनाई वाली थीं। जब जिम मात्र 4 साल के थे, तब उनके पिता का निधन हो गया, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति और अधिक संकटमय हो गई। फिर भी कॉर्बेट परिवार की आर्थिक संकट ने युवा जिम की आत्मा को नहीं भिगोया। जिम को छोटी उम्र में ही स्कूल छोड़कर काम ढूंढने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने बड़े हुए आउटडोर में अपनी बुलावा पाया, तब भी उसके जंगल और प्रकृति के प्रति प्यार का यह स्पष्ट था। उन्होंने नैनीताल के आसपास के जंगलों और पहाड़ों का अनगिनत घंटों तक अन्वेषण किया, वनस्पति और जीव जंतु के बारे में जानकारी प्राप्त की, जानवरों की आदतों का अध्ययन किया और जंगल के संकेतों को पढ़ने की असाधारण क्षमता विकसित कर रहे थे। यह उन्हीं अन्वेषणों के दौरान था जब जिम कॉर्बेट ने अपने कौशलों को एक ट्रैकर और शिकारी के रूप में तेज करना शुरू किया। हालांकि संघर्ष के बावजूद ये शुरुआती वर्ष जिम कॉर्बेट को आकार देने में महत्वपूर्ण थे। वह अनुभव जो उसने हासिल किए, चुनौतियां जिनका सामना उसने किया और वह कौशल जो वह विकसित किया, सभी ने उसे उस जीवन के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो उसके सामने था। उनकी वन्य जीवन के प्रति गहरी समझ और सम्मान, जंगल को पढ़ने की अद्वितीय क्षमता और उनकी साहस और दृढ़ता, सभी इन प्रारंभिक वर्षों में अपनी जड़ें जमा रही थीं। ये शुरुआती अनुभव कॉर्बेट को आकार देते थे, उसे उस शिकारी संरक्षक और लेखक के लिए तैयार करते थे जो वह बनने वाला था। उनके पिता की पुरानी डॉम्फोन 50 राइफल के साथ युवा कॉर्बेट ने एक यात्रा पर कदम रखा जो उन्हें एक किंवदंती बनाती। भारतीय जंगल एक विशाल और अनचार्टेड क्षेत्र था, एक उम्मीदवार शिकारी के लिए एक उत्कृष्ट मैदान। ब्रिटिश राज के पृष्ठभूमि में पैदा हुए कॉर्बेट का प्रारंभिक अनुभव प्रकृति के कच्चे अविसंस्कृत सार में डूबा हुआ था।
हिमालय की पड़ोस में बढ़ते हुए जंगल उनका शिक्षक बन गया और जानवर उसके विषय। उनकी तीव्र आंखें जंगल के प्राणियों द्वारा छोड़े गए सूचक संकेतों को देखेंगी। पत्तियों की सरसराहट, टहनी की चटकन, सबसे हल्के पैरों के निशान, उन सब का वह आसानी से अनुवाद कर लेता था। इन प्रारंभिक अनुभवों ने उनकी ट्रैकिंग के कौशल को तेज किया, जो एक शिकारी के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है और उन्हें उनकी आवश्यकता थी। यह उसे जानवर संसार की गहरी समझ देता था। लेकिन कॉर्बेट केवल एक शिकारी नहीं थे, वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उन जानवरों का सम्मान और पूजा किया जिनका वह पीछा करता था। उन्होंने खेल के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए शिकार किया। प्रत्येक पशु एक डरावना प्रतिद्वंद्वी था, सम्मान और समझ के योग्य। उन्होंने उनका व्यवहार, उनकी आदतें, उनकी विचित्रताएं अध्ययन की, उनकी तरह सोचना सीखा, उनकी चालें अनुमानित करना सीखा। उन्होंने जंगल और उसके निवासियों के साथ एक गहरा संबंध विकसित किया, एक बंधन जो शिकार को पार करता था। उनके शिकार साहसिक कार्य शक्ति या प्रभुत्व के बारे में नहीं थे, वे समझ और सम्मान के बारे में थे। उसे पता था कि प्रत्येक जानवर का पारिस्थितिकी तंत्र में अपना स्थान होता है और संतुलन महत्वपूर्ण होता है। उनकी शानदार बंगाल टाइगर्स और दुर्लभ तेंदुआ के साथ मुठभेड़ें युद्ध नहीं थीं, लेकिन नृत्य, समझ, सम्मान और सुरक्षा के नृत्य। कॉर्बेट की बंदूक के साथ कुशलता केवल उनके वन्य जीवन की जानकारी द्वारा मात की जाती थी। वह एक वन के मनुष्य थे, उसके रहस्यों के एक पालनहार। जिन जानवरों का वह शिकार करता था उनके प्रति उनका सम्मान डर के कारण जन्मा नहीं था, लेकिन इसके बजाय उनकी ताकत के प्रति प्रशंसा, उनके जीवन निर्वाह के संकेत और उनकी भूमिका के प्रति पारिस्थितिकी तंत्र में। यही योग्यताएं और समझ उसे मानव भक्षियों से भिड़ने में काम आएंगी। जब हम इन मुलाकातों की कहानियों में गहराई से जाते हैं तो याद रखें कि कॉर्बेट सिर्फ एक शिकारी नहीं थे, वह एक आदमी थे जो जंगल के साथ गहरी तरह से जुड़े थे, एक आदमी जिसने प्रकृति के सूक्ष्म संतुलन को समझा था और एक व्यक्ति जिसने जानवरों का सम्मान किया जिनका वह पीछा करता था। वर्ष 1936 है और कॉर्बेट एक पुस्तक प्रकाशित करते हैं जिससे वे एक घरेलू नाम बन जाते हैं, कुमाऊं के मैनेटर्स। यह किताब कॉर्बेट के अनुभवों की सच्ची कहानियों का संग्रह है, जो भारत के कुमाऊं क्षेत्र में मनुष्य खाने वाले बाघ और तेंदुए का शिकार करते थे। यह जल्दी ही एक संवेदना बन गया। इसने विश्व भर के पाठकों को भारतीय जंगलों की सांस लेने वाली सुंदरता और खतरों से परिचित किया। सभी चीजें कॉर्बेट की अद्वितीय साहस, कौशल और प्रकृति के प्रति गहरी सम्मान को हाईलाइट करते हैं। पुस्तक की सफलता लगभग तत्परता से हो गई। ये सभी जीवन के पथिकों से गूंजा, सीमाओं और संस्कृतियों को पार कर गया। कॉर्बेट की वाइल्ड की कहानियों ने भारतीय जंगल के प्रति एक आकर्षण उत्पन्न किया जो पहले कभी इतने वैश्विक स्तर पर नहीं देखा गया था। उनका जीवंत विवरण, साथ ही उनकी मनोहारी कथा संचालन शैली, उनके पाठकों की कल्पना में जंगल को जीवंत कर दिया। कुमाऊं के मानव खोरों से सबसे अधिक उल्लेखनीय कहानियों में से एक पना तेंदुए के शिकार की है। यह जानवर 400 से अधिक लोगों की जान ले चुका था, जिससे यह इतिहास में सबसे घातक मनुष्य खाने वाले जानवरों में से एक बन गया। कॉर्बेट की चीता का पीछा करने की कथा, उसकी निकट मिस और अंतिम मुठभेड़ एक रोमांचक मानव बनाम प्रकृति की कहानी है। लेकिन जो सचमुच कॉर्बेट को अलग करता था वह इन जानवरों के प्रति उसकी सहानुभूति थी। उन्होंने उन्हें केवल मारने के लिए मॉन्स्टर के रूप में नहीं देखा, बल्कि परिस्थितियां उन पर नियंत्रण से परे ऐसी चरम स्थिति में ले जाती हैं। उन्होंने यह बताया कि आवास और मानव हस्तक्षेप की हानि कैसे इन जानवरों को मानवों के भोजन के रूप में मुड़ने के लिए मजबूर कर रही थी। कॉर्बेट की किताब सिर्फ शिकार की कहानियों का संग्रह नहीं थी, यह कार्रवाई के लिए एक अपील थी, समझ और सह अस्तित्व की एक गुहार। यही गहरी सहानुभूति थी प्राकृतिक दुनिया और उसके निवासियों के लिए, जिसने कुमाऊं के मनुष्य खाने वाले को केवल एक शिकार मेमोयर से ऊंचा उठा दिया। वन्य जीव साहित्य की अमर क्लासिक में अपनी लेखनी के माध्यम से कॉर्बेट ने दुनिया को भारतीय जंगल में ले जाया, अपने रोमांचक शिकार और प्राकृतिक दुनिया के प्रति गहरा सम्मान के साथ पाठकों को मोहित किया। प्रसिद्धि के साथ चिंतन आया और कॉर्बेट के शिकार के बारे में विचारधारा बदलने लगी। कॉर्बेट की प्रसिद्धि के पीठस्थल पर खड़े होते हुए उन्हें अपने कार्यों की वास्तविकता से सामना करना पड़ा। शिकार की रोमांचनाक उत्साहवर्धन, एक बार इतना उत्तेजक, अब भारत के भव्य बड़े बिल्लियों की कम होती संख्या पर एक काले साये की तरह प्रतीत होता है। शिकारी भूतित हो रहा था। जैसा कि कॉर्बेट इन शानदार प्राणियों की दुनिया में और अधिक गहरा उतरते गए, उन्होंने एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति का पता लगाया। पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन किसी किनारे पर लड़खड़ा रहा था।
वही जानवर जिन्हें उन्होंने एक बार शिकार किया था अब लुप्त प्राय हो रहे थे। उनकी संख्या निर्माणहीन शिकार और आवास के नुकसान के कारण घट रही थी। यह बोध कॉर्बेट के भीतर एक तार बजाया जिसने उन्हें अपने स्वयं के कार्यों का प्रश्न उठाने और शिकार के पर्यावरण पर बढ़पने के प्रभावों का सवाल उठाने के लिए मजबूर किया। शो की उसकी क्षमता और कौशल के लिए प्रसिद्ध एक परिवर्तन शुरू कर दिया। कॉर्बेट, वह आदमी जो एक समय जंगल में बाघों का पीछा करता था, अब उनके जीवन के लिए समर्थन करता पाया गया। वह बे आवाजों के लिए एक आवाज बने। अपनी प्रसिद्धि और प्रभाव का उपयोग करके भारत के लुप्त प्राय बड़े बिल्लियों के कारण को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रयासों ने भारत के वन्य जीव संरक्षण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। कॉर्बेट, जो एक समय प्रसिद्ध शिकारी थे, अब भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के लिए थक कर काम कर रहे थे। जो जानवरों के लिए एक शरण स्थल था जिन्हें उन्होंने एक समय शिकार किया था, उन्होंने एक सुरक्षित आश्रय का कल्पना की जहां इन भव्य प्राणियों को शिकारियों की जासूसी आंखों और घातक गोलियों से दूर स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति थी। इस पार्क में वह बाघ जिन्हें उन्होंने एक बार शिकार किया था अब सुरक्षित रहेंगे। उनकी जीवन रक्षा अब एक यादृच्छिक खेल नहीं बल्कि एक संगठित प्रयास। कॉर्बेट का शिकारी से संरक्षक में परिवर्तन पूरी तरह से हो चुका था। उनके कार्यों ने वन्यजीव संरक्षण में एक नया युग चिन्हित किया जिसने भारत की समृद्ध जैव विविधता की संरक्षा की ओर देशव्यापी आंदोलन उत्पन्न किया। उनके प्रयासों की मान्यता में पार्क का नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। उन आदमी के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि जिसने एक बार बाघों का शिकार किया और फिर उनकी संरक्षण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। शिकारी से संरक्षक के रूप में परिवर्तन की कहानी जिम कॉर्बेट की कहानी परिवर्तन की शक्ति और संरक्षण की धीरज की गवाही देती है। 19 अप्रैल 1955 को फिर कॉर्बेट का निधन हो गया। वे एक पर्यावरण संरक्षण और जंगल के प्रति सम्मान की धरोहर छोड़ गए। अंतिम सालों में कॉर्बेट नायरी केन्या एक ऐसी जमीन पर स्थानांतरित हो गए जो उतनी ही जंगली और सुंदर थी जैसा कि भारत जिसे उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। लेकिन इस नए माहौल में भी उनकी संरक्षण के प्रति समर्पण कभी नहीं हिला। वह जीवन्याय की संरक्षा के लिए समर्थन जारी रखते हुए अपने अनुभवों और अंतर्दृष्टि को लिखते रहे जो बाद में भविष्य के संरक्षणकर्ताओं के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करेगा। यह केवल बड़े बिल्लियों के बारे में नहीं था जिसके लिए कॉर्बेट चिंतित थे। उन्हें जंगली जीवन का जटिल जाल बहुत दिलचस्प लगा। उन्होंने प्रत्येक प्राणी की भूमिका को पहचाना, छोटे से छोटे कीड़े से लेकर सबसे बड़े हाथी तक, और समझा कि एक की जीवित रहने की बात सभी की जीवित रहने से जुड़ी है। कॉर्बेट का प्रभाव भारत या केन्या की सीमाओं तक सीमित नहीं था। उनकी लेखन और संरक्षण में काम ने वन्य जीव संरक्षण में वैश्विक रुचि जगाई। उनकी किताबें मानव भक्षियों का पीछा करने और शिकार करने की रोमांचक कहानियों से भरी हुई थीं। यह एक गहरी क्रिया के लिए आह्वान थी। वे इन शानदार प्राणियों और उनके आवास की संरक्षा की आवश्यकता पर जोर देते थे। कॉर्बेट के काम का भारत में वन्य जीव संरक्षण पर प्रभाव अपरिमेय है। उनकी कोशिशों के परिणाम स्वरूप 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हुआ जिसे मूल रूप में हेली राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया। उनकी मृत्यु के बाद एक उचित श्रद्धांजलि में पार्क का नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बदल दिया गया। लेकिन शायद कॉर्बेट की धरोहर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह परिवर्तन है जो उन्होंने प्रेरित किया। उन्होंने हमें जंगल को खतरा नहीं बल्कि हमारी दुनिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानना सिखाया जिसे हमारा सम्मान और सुरक्षा की आवश्यकता है। आज कॉर्बेट की वजह से अधिक लोग प्रकृति के साथ डोमिनेट करने की बजाय सह अस्तित्व की महत्वता समझते हैं। कॉर्बेट का जीवन खत्म हो सकता है लेकिन उनका प्रभाव अब भी दूर तक है। हालांकि उनका नाम वन्य जीव संरक्षण के साथ पर्यायी है और उनकी शिक्षाएं हमें आगे मार्गदर्शन करती रहती हैं। हम जब 21वीं सदी की पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उसकी बुद्धि कभी से अधिक प्रासंगिक है। कॉर्बेट की धरोहर अब भी जीवित है, हमें मनुष्यों और जंगल के बीच सूक्ष्म संतुलन की याद दिलाती है। चंपावत के घने जंगलों से लेकर द मैनीटर्स ऑफ कुमाऊं के पन्नों तक हमने जिम कॉर्बेट की जीवन यात्रा की। भारत के दिल में पैदा हुए उनके प्रारंभिक वर्ष उनके आसपास की जंगली जीवन से आकार मिलते थे जिसने उनके जीवन को प्रभावित किया। एक शिकारी के रूप में उन्हें उनके द्वारा ढूंढे जाने वाले मनुष्य खोर बाघों द्वारा प्रसिद्ध और डर की भी जाती थी। फिर भी उसका पर्यावरण विद के रूप में परिवर्तन ही ने उसे असली रूप में परिभाषित किया। उनके अनुभव उनकी किताबों के पन्नों में उत्कीर्ण भारतीय जंगल और उसके निवासियों की शानदार और शक्तिशाली जीवन को जीवंत करते हैं। उनके शब्दों ने एक अधिकांशतः अज्ञात दुनिया का पर्दाफाश किया जिसने वन्य जीव संरक्षण में वैश्विक रुचि उत्पन्न की। आज
उनकी धरोहर न केवल जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में जीवित है बल्कि दुनिया भर के संरक्षणकर्ताओं के हृदय और मन में भी। अंत में कॉर्बेट की कहानी हमारे जंगल के साथ सम्मान और समझ की शक्ति का एक साक्षी है। यह एक सबक है जो आज भी उत्तर भारत के जंगलों में एक शताब्दी पहले की तरह प्रासंगिक है।